नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लंबे टाइम बाद कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा ये अपडेट दी गई है BSNL BRS ऑप्टिज के फोर्थ इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अपडेट दी गई है सभी सर्किल्स के लिए, यानी कि ऑल हेड्स ऑफ टेलीकॉम सर्किल्स एंड ऑल हेड्स ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स BSNL। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, BSNL के कर्मचारियों का लंबे टाइम से फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं हुआ है, और यही वजह है कि बार बार से इस तरह के अपडेट आ रहे हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है, कब तक होगा इसका भुगतान, क्योंकि सभी हैं इससे परेशान। यहाँ पर आपको देख लें कि ये NXRD है, वेरीफिकेशन ऑफ NXRD बाई CCAs फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सग्रेसी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरीज अंडर BSNL BRS 2019 केसेज ऑफ मिसमैच ऑफ सर्विस पर्टिकुलर्स इन PPO डाटा। तो आपको हम बता दें कि जितने भी BSNL के BRS ऑप्टीज हैं, जिसने BRS 2019 के तहत BRS लिया है, उनके जो केसेस हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ में या फिर किसी अन्य चीज़ में मिसमैच हो रहा था, जिसकी वजह से PPO का डाटा और ERP का डाटा मैच नहीं कर पा रहा है। हालांकि इन्होंने कई बार पहले भी लिस्ट निकाली है, और जैसे जैसे अपडेट होती जाती है वैसे वैसे ये नई लिस्ट निकालते जाते हैं, ताकि जिन जिन सर्किल में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उनको इसकी जानकारी मिलती रहे कि कितने केसेज अभी भी पेंडिंग है, और वो जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। अब आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये जो इश्यू है, इश्यू ऑफ मिसमैच ऑफ सर्विसेज, तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि द इश्यू ऑफ मिसमैच ऑफ सर्विसेज पर्टिकुलर्स विद लास्ट पे ड्रॉन लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी किसी की मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में भी दिक्कत है, तो जिसकी वजह से PPO और BSNL ERP का डाटा मैच नहीं कर रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो मिसमैच हो रहा है उसकी वजह से क्या है कि कैलकुलेशन में डिस्क्रिपेंसी आ रही है एक्सग्रेसिया के अकाउंट में, जो कैलकुलेशन करके जो डाटा दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको पेमेंट होगा, तो उसमें अगर कुछ कमी रहती है तो ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है, और इसमें ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपसे पैसा वापस लेने में उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है या कम क्रेडिट होता है तो आपको भुगतान नहीं होगा, या फिर आपसे वो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये काफ़ी लंबा इसमें टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से वो एक बार में फाइनल कैलकुलेशन करके आपको डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा है वो DOT द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो DOT अगली बार, ऐसा नहीं है कि अब की बार अगर ये कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा DOT से पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो चेक पास होगा वो फर्स्ट टाइम ही पास होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। और अगर दोबारा गड़बड़ी होती है और कुछ ऐसी गड़बड़ी मिलती है, तो जो ये डाटा भेज रहा है वो BSNL के अधिकारी की सैलरी में से वो पैसा काट लिया जाएगा बाद में। तो यही वजह है कि इतना ये डिले हो रहा है बार बार। इन्होंने ये भी कहा है कि दिस मिसमैच विल रिजल्ट इन डिस्क्रिपेंसी इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सग्रेसिया अमाउंट पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरीज अंडर BSNL BRS 2019। इन दिस रिकार्ड BSNL सर्किल्स यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज इन कोऑर्डिनेशन विथ रेस्पेक्टिव CCAs एंड अपडेट द ERP डाटा अकॉर्डिंगली। ERP रिपोर्ट रिगार्डिंग डिफरेंस इन लास्ट पे ड्रॉन इन PPO डाटा एंड ERP डाटा एज ऑन 14/10/2020 इज एनक्लोज टू फॉर रेफरेंस। फर्दर ग्रांट टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर ERPP एंड और NEPP टू द BRS ऑप्टीज हैज आल्सो नॉट बीन कंप्लीटेड बाई द मोस्ट ऑफ द सर्कल्स। डिले इन दिस एक्सरसाइज में रिजल्ट इन डिस्क्रिपेंसी इन फ्यूचर। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो EPP और NEPP के तहत टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करना होता है BRS ऑप्टीज के लिए, तो ये अगर वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं है ज़्यादातर सर्कल्स के अंदर, तो पहले वो भी कंप्लीट करना है, और अगर इसमें कुछ डिले होता है तो, या फिर तो उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी यानी कुछ मिस्टेक जो गड़बड़ी होती है वो गड़बड़ फ्यूचर में निकल करके सामने आ सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ में देखें, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग एक्शंस में भी टेकन इमीडिएटली, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेटर निकाल दिया है, ये सिर्फ इसलिए निकाला है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान भी देना है, यानी कि पहले तो ध्यानपूर्वक उन्हें क्या करना है, करेक्शन करना है ERP डाटा में, और उसके बाद जितने भी पेंडिंग केसेज हैं
उनका ईआरपी डाटा में करेक्शन करना है एज पर पीपीयू डाटा, यानी पीपीयू डाटा के अनुसार। इसके अलावा जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, ग्रांट ऑफ टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर ईपीपी और एनईपीपी बीवी एक्सपीडिटेड, द केसेज वेयर इन अपडेशन ए और करेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन पीपीओ बाई द सीसीएज, नेसेसरी अपडेशन इन पीपीओ मे बी एंश्योर्ड इन कोऑर्डिनेशन विथ रेस्पेक्ट सीसीएज, इन एडिशन एनेक्स डी इज रेस्पेक्ट ऑफ दीज केसेज मे बी नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव सीसीएज फ्रॉम फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सग्रेसिया कैलकुलेशन, एनेक्स डी मे आल्सो स्पेसिफाई द टोटल पेमेंट रिलीज अप टू थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस पेमेंट प्रपोज टू बी रिलीज इन द फोर्थ स्टेट इंस्टॉलमेंट। तो यानी कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट तक का है उसका भुगतान तो अभी तक हो ही गया है, और उसके हिसाब से जितना भी डाटा है पीपीओ का अगर वो उसके हिसाब से मैच करना है, और इसके लिए वो सीसीएस से जानकारी भी ले सकते हैं और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करके इस डाटा को कम्प्लीटली मैच कराना है, और ताकि भविष्य में कुछ ऐसी गड़बड़ नज़र ना आए। तो ये तो था इससे रिलेटेड जानकारी, और जल्द ही जिसकी वजह से जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो जारी किया जा सके। हालांकि अगर हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बात करें कि कब तक हो पाएगा बीएसएनएल बीआरएस ऑप्टिज के फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भुगतान, तो जैसे ही ये डाटा रिलीज होगा ये तो आपको पता है कि तुरंत ही 2 या 3 दिन बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा। बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए ये तो थोड़ी खुशखबरी वाली बात है ही कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की सैलरी अब आ चुकी है सितंबर मंथ की, और अक्टूबर मंथ की भी टाइमली आने की पूरी पूरी संभावना है। देखते हैं कि आपकी सैलरी अब की बार से रेगुलर होती है, नेक्स्ट मंथ से तो आपकी सैलरी रेगुलर हो ही जानी है, क्योंकि अब बीएसएनएल के अंदर रेवेन्यू में भी ग्रोथ होने लगी है और धीरे धीरे सरकार भी बीएसएनएल के रिवाइवल पर ध्यान देने लगी है। ऐसे ही सरकार के द्वारा सभी सरकारी संस्थानों में बीएसएनएल के लैंडलाइन ब्रॉडबैंड और लीजलाइन सर्किट्स के लेने की बात कही गई, वहीं पर तुरंत के तुरंत प्रभाव से ही पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 70,000 कर्मचारियों को प्री एक्टिवेटेड बीएसएनएल सिम ऑफर की गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 31 जुलाई 2020 के जो टॉप 5 ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है बीएसएनएल बैलेट जो फेसबुक पेज है उस पर, उसके अनुसार बीएसएनएल सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वॉइस क्वालिटी में भी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल नंबर वन रहा है, यानी कि जो कॉलिंग की क्वालिटी होती है वॉइस क्वालिटी जिसमें नॉइज आती है और बहुत सारी खर खर की आवाज़ आती है या फिर कॉल कट जाता है कुछ समय के बाद में, तो ऐसी बीएसएनएल के अंदर दिक्कत नहीं रही है। वहीं बात करें बीएसएनएल के मार्केट शेयर की तो बीएसएनएल होल्ड्स ए मार्केट शेयर ऑफ 10.37% मार्केट शेयर एंड इट गेंड 358,326 सब्सक्राइबर इन जुलाई मंथ। वहीं आप देख सकते हो कि सभी सरकार ने सभी जितने भी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट है सीपीएसयू है सभी में बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस अनिवार्य कर दी है। बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर की शुरुआत भी जल्द भी में होने वाली है। हाल ही में मेंबर ऑफ डीओटी के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार जल्द ही लैंड मोनेटाइजेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी असेट मोनेटाइजेशन के अंदर जो लैंड मोनेटाइजेशन होना है 38,000 करोड़ रुपये का, उसका भी प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। वहीं बीएसएनएल के लगभग 8,500 करोड़ रुपये के बॉन्ड तो रिलीज हो ही चुके हैं। तो बीएसएनएल के अभी समझ लीजिए कि धीरे धीरे रिवाइवल प्लान नेचुरल रूप से शुरू हो गया है, हालांकि देर से शुरू हुआ है, इसको लगभग 1 या 2 महीने बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगभग 8-9 महीने बाद इसमें धीरे धीरे प्रक्रिया में अब तेजी आने लगी है। तो जल्द ही बीएसएनएल आपको फायदे में नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के SUBSCRIB बटन को प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है, 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और ऊपर से इसके कई सारे फायदे हैं कि आपको रैंक टू एमएस जो कि बीएसएनएल की न्यूज़ देने वाला नंबर वन चैनल है, जैसे ही वो कोई वीडियो अपलोड करता है और प्रीमियर चलाता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लाइव हमारे साथ जुड़ पाओगे। धन्यवाद।